भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख केस सामने आए। इस दौरान कुल 488 नए मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। लगातार ये तीसरा दिन है जब कोरोना के देश में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 39 हफ्ते बाद ही लोग एहतियाती खुराक ले पाएंगे। इस बाबत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है। लखीमपुर खीरी मामले में यूपी पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें 4 किसानों पर, एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया गया। इससे पहले एसआईटी ने 5,000 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का नारा देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उत्पल ने कहा कि अगर भगवा पार्टी पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारती तो वो चुनावी अखाड़े से हट जाते। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को संकेत दिए थे कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस हो सकती हैं, लेकिन वो अब अपने बयान से पलट गई हैं। प्रियंका ने कहा कि बार बार एक ही सवाल पूछने से मैं चिढ़ गई थी। मुंबई के तारदेव इलाके में शनिवार सुबह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि अब तक 15 लोगों की बुरी तरह से झुलसने की खबर सामने आई है। दावा किया गया था कि विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सौरव गांगुली ने विराट कोहली को कारण बताओ नोटिस भेजने का फैसला किया था। हालांकि गांगुली ने एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। साल 2018 में अमेरिकी सिंगर निक जोनास से शादी करने वाली मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मां बन गई हैं। सरोगेसी के जरिए इस बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद एक पोस्ट जारी कर इस बारे में जानकारी दी। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर भारतीय माने जा रहे एक परिवार के 4 सदस्यों की ठंड से मौत हो गई। मरने वालों में एक नवजात शिशु भी बताया गया। ये घटना कनाडा के इलाके में हुई।